और मैंने भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में, एक जनरल डिस्कशन है ना, फेस नजर आ जाता है कौन कैसे एक्सप्रेशन से पूछ रहा है। और बताओ बेटा, कोई किसी का क्वेश्चन रहता हो? और ना चलो बेटे, तो जैसे आज का बेटे लेक्चर था, पूरा लेक्चर जो आज का, दैट वाज ऑल अबाउट योर रिकर्सन, राइटिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम इन अ गुड। तो आज हमने कौन कौन से देखे? समेशन ऑफ एन नंबर्स देखा, वो सभी लोग लिख पाएंगे? आप में से कोई ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है सम ऑफ एन नंबर्स यूजिंग रिकर्सन? उपलब्ध आपको आ गया था समझ? सुबह की क्लास लगाई थी, यस सर, उपलब्ध समझ आ गए बेटे? यस सर। समेशन ऑफ एन नंबर्स किया था, देन हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने लीनियर सर्च किया था। आर दीज ऑल क्लियर? और देर इज समथिंग दैट यू नीड टू आस्क, दैट यू नीड टू स्टिल गेट इट क्लियर फ्रॉम मी? कुछ ऐसा है इन तीनों में? हाँ बेटे सूर्यकांत, इज इट फाइन विद यू? यस सर, ओके बेटे, देन वी मूव टू द टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम। टावर्स ऑफ हैनोई का एल्गोरिथम सबको क्लियर है? यदि किसी को क्लियर नहीं है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो मे बी ड्यू टू द लार्ज नंबर स्टूडेंट्स, यू मे नॉट बी एबल टू आस्क और कन्वे क्लियरली। तो अभी आपके पास चांस है, यदि टावर्स ऑफ हैनोई में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको यहाँ पे समझ सकते हैं। सबके क्लियर है टावर्स ऑफ हैनोई? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? उसके बाद बेटे हमने किया था हॉर्नर्स रूल। हॉर्नर्स रूल में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? नहीं? चलो वेरी गुड। तो अब ना बेटे सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, सभी लोग कॉपी पेन उठाओगे। ट्राई टू ड्रॉ द रिकर्सन ट्री दैट इज टू बी बिल्ट While tracing your towers of Hanoi problem on four number of disks। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रिकर्जन ट्री कि कहले कैसे कैसे रिकर्सिव कॉल्स होंगी वो आपको ड्रॉ करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री अलॉन्ग विद देयर इंटरमीडिएट आर्गुमेंट्स। किसके लिए? आपको n इज इक्वल टू फोर या चार नंबर ऑफ डिस्क आपको दी हुई है। कौन से पिलर पे है? वो पिलर नंबर एक्स पे है या फिर टावर नंबर एक्स पे रखी गई है, तो उनको आपको किस में शिफ्ट करना है? टावर नंबर वाई पर शिफ्ट करना है। अपने आप से कुछ नहीं लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट थ्री और फोर लाइंस, और यू कैन से राइट द एल्गोरिथम फॉर टावर्स ऑफ हैनोई दैट वी डिस्कस इन द मॉर्निंग, एंड देन जस्ट ट्राई टू ट्रेस इट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। जल्दी से ड्रॉ कर दो बेटा सभी लोग विद इन 5 मिनट्स। Try to draw a recursion tree। सभी लोग बेटे शिवम, बेटे कैमरा ऑन रखो प्लीज सभी लोग। ऑल ऑफ यू आर गुड लुकिंग, तो व्हाई टू हेजिटेट टू स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ ड्रॉ कर दो बेटे जल्दी से, ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप करो। आई एम वेटिंग, जो भी ड्रॉ कर रहे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करो।
बच्चों जल्दी करो थोड़ा, हरे अब, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया है। जल्दी करो बेटे। योगिता महेश, आप लोग प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, आई एम जस्ट रीहाइड्रेटिंग अगेन एंड अगेन। आप कैमरा सब लोग ऑन करके रखो प्लीज, डॉट स्विच, स्विच इट ऑफ। देखो बेटा मुझे दिखने चाहिए आप सभी लोग, हो पाएगा नहीं पहले तो ये बात बताओ, कर पाओगे? हाँ बेटे, सुखनदीप हो जाएगा? हाँ जी सर, हो रहा अच्छा चलो, गुड गुड, लगा लो बेटे, 2-3 मिनट और लगा लो, करो। शिवम डन, कंप्लीटेड शिवम। हो रहा है सर, अभी हो रहा है सर। ओके थोड़ा जल्दी करो बेटा, इतना तो बड़ा काम नहीं था। हाँ
नाम जरूर लिखा करो जो भेजे। नाम या रोल नंबर। हाँ चलो चलो बेटे, ये ना जिसने भी भेजा है अभी मुझे, इसके जो स्टेप्स आए हैं अभी, किन्होंने भेजा बेटा मुझे? सिक्स नाइन। हाँ सुखनदीप सिंह ने भेजा मुझे ना। हाँ जी सर। ओ बेटे सुखनदीप, अपने जो ये स्टेप्स जो आए हैं आपके निकल कर, थोड़ा हाँ जी सर। थ्री पिलर्स बनाओ साथ के साथ, उनमें इन स्टेप्स को ट्रेस करके भी दिखाओ, ठीक है सर। इसके अकॉर्डिंग कि सबसे पहले कौन सा मूव होगा इनमें से। ठीक है सर। ओके बिल्कुल वन टू वन, और इन स्टेप्स को फिर नंबर भी देना एज अकॉर्डिंग टू देयर एग्जीक्यूशन, कि फर्स्ट ये होगा, फिर सेकंड ये वाला मूव होगा, थर्ड ये वाला मूव। चलो गुड, वेल डन, ठीक लग रहा है बनाओ। आप लोग भी बेटे सभी लोग घर या बेटे 118 ने अभी ज्वाइन किया है। हु इज दिस 118? बेटे मीटिंग में लॉक कर देता हूँ अटेंडेंस के बाद, प्लीज ध्यान रखो कोई एग्जिट ना करे मीटिंग से। 118 ने तो वैसे भी लेट ज्वाइन किया और इसकी पहली ऑप्शन लगी। लिसन भोपलव, व्हाट यू आर राइटिंग इज दैट इश्यू वाज देयर, प्लीज ये वाले एक्सक्यूजेस कोई ना ले बेटे, कोई भी नेट वाले एक्सक्यूजेस कोई ना ले। दिस रियली इज वेरी हाई टाइम From the last 1 year, if we are not able to fix our net speed, then really the bad sign for us. Really the bad ones. Please don't tell me about this net issue, etc. So Vaibhav ने बना लिया। आप भी बेटे इसकी वो टावर्स बनाकर इसकी मूवमेंट दिखाओ, और फाइनली खुद से वैलिडेट करो कि क्या सॉल्व कर रहे हैं ये वाले मूव्स प्रॉब्लम को हमारे। यस हाँ यस सर, वही कर रहा हूँ। कर लो बेटे सभी लोग। So Vasu Joshi has also shared. Vasu, this all is fine, whatever you made. But I'm really more interested towards the signature of this function at intermediate stages. Are you getting Vasu? This towers along with the movement of certain disk is fine. That is the last stage. But before that, I want the exact signatures which are to be used at different intermediate stages. Different values of X, Y, and Z, how they are getting changed step by step. I'm more interested in that one. Okay? Try ओके to सर। make it. यस सर। दोबारा से ड्रॉ करो बेटे।
तमन्ना ऑल्सो मेड इट ओके एक्स वाई जेड सीम्स टू बी फाइन तमन्ना यू ऑल्सो ड्रॉ इट विद द पिलर्स और द टावर्स यश T1, T2, T3 Tower 1, Tower 2, Tower 3 ओके बेटे आप इसको टावर्स की फॉर्म में भी एक बार मूवमेंट दिखाओ मूव्स दिखाओ मूव्स एंड लिस्टेड और उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें चलो बेटे आई एम सेटिस्फाइड दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू राइट इट ऑल ऑफ यू रियली गॉट इट फिर भी लास्ट टाइम आई एम आस्किंग इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज नॉट येट क्लियर अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ टावर्स ऑफ हैनोई देन प्लीज टर्न अप and ask otherwise we are moving forward fine okay buddy you may all leave this now move to the next algorithm on the screen I will be writing an algorithm and also I will give you the parameters or you can say initial invocation of the algorithm at the end what I expect from your side is the conclusion part or the statement of the problem that was being solved using that algorithm Got it? I'll be writing an algorithm. I'll be giving you the initial call that is to be made to that algorithm, and the solution, the result I expect from your side is to state the problem that is solved by that. Fine. And for stating the problem, what you need is what is the requirement from your side that you need to trace that with that particular in. Fine. So let me write the algorithm for you. Okay. So the algorithm is that. The algorithm A. K and N. Then let it be the beginning. Let it be the end. Then what it says is that if K is equal to N, wait a minute. If K is equal to N, then राइट और राइट क्या करना है वन अप टू एन पूरा का पूरा एरे आपको प्रिंट कर देना है फाइन अब कहता है इसके एल्स में चले जाना ओके एल्स में जाके क्या करना है यू नीड टू रन फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू के टू एन एंड अंडर दिस लूप व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज दैट टी इज इक्वल टू A of k and A of k is equal to A of k is equal to A of I and A of I is equal to T. क्या हो रहा है इस वाली स्टेटमेंट में पढ़ के बताओ क्या हो रहा है स्वैपिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा बेटे बिल्कुल परफेक्ट उसके बाद क्या कहता है एल्गोरिथम को रिकर्सिवली कॉल करो एल्गोरिथम को कॉल करो ए के प्लस वन और एन के साथ कॉल कर लो एंड देन अगेन यू नीड टू स्वैप टी इज इक्वल टू ए ऑफ ए और ए ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ आई And A of I is equal to T. Done. So this is the for loop. ये आपकी for loop की यहाँ से suppose ये begin होता था और ये यहाँ पर ये वाला for loop क्या हो गया end हो गया. ये वाला for loop end हो गया.
डन। तो ये वाला जो है, ये वाला हाँ, ये फॉर लूप जो है इसका एंड ये, और जो एल्गोरिथम है ये वाला जो यहां से शुरू हुआ इसका एंड बेटा ये डन बच्चों। तो ये आपको एल्गोरिथम की माने। अब कहता है ये जो एल्गोरिथम कॉल हुई पहले वाली कॉल, वो कहता है किसके साथ हुई, एल्गोरिथम ए वन और फोर के साथ हुई पहली कॉल। और इनिशियली ए क्या है, एक एरे है, एक तरह से एक एरे है जो इनिशियली किसके इक्वल है, ए बी सी और डी। या फिर आप ये बोलो कि ए ऑफ वन में क्या पड़ा है, ए पड़ा है, ए ऑफ टू में क्या पड़ा है, बी पड़ा है, ए ऑफ थ्री में क्या पड़ा है, सी पड़ा है, और ए ऑफ फोर में क्या पड़ा है, डी पड़ा है। तो ये एक एरे ए आपको गिवन है, ठीक है। कोई बेटे किसी को डाउट हो, किसी एल्गोरिथम समझ नहीं आ रहा हो, या कोई वर्ड या लेटर नहीं समझ आ रहा हो, पूछ लो मुझसे। उसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे, यदि वो समझ नहीं आ रहा हो मुझसे। फाइन बेटे, ओके। तो सभी लोग क्या करो, ट्राई टू ट्रेस इट एंड अलोंग विद जनरेट द आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे जनरेट हो रही है आपकी, इफ ए इज इक्वल टू एन देन यू नीड टू राइट द कंप्लीट एरे फ्रॉम वन टू फोर। तो ये आपकी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। सभी लोग लिख लो बेटे इसको, एल्गोरिथम को लिख लो और इसकी इनिशियल जो कॉल है वो लिख लो। इसके बाद बेटे इसको ट्रेस करो और ट्रेस करके फिर मुझे फाइनल आंसर दो, व्हाट एग्जैक्टली दिस एल्गोरिथम इज डूइंग। हाँ बेटे बोलो। परमुटेशन जनरेट करने का एल्गोरिथम परमुटेशन है, और जनरेट करने परमुटेशन का एल्गोरिथम है। चलो गुड, उसका है। देखते हैं, करो आप इसको एग्जीक्यूट करो, ट्रेस करो पेपर पेंसिल से। और किसी के पास है आइडिया, सब लोग बेटे लिख लो इसको कॉपी में, उसके बाद इसको ट्रेस करना शुरू कर रहा हूँ। ये अभी किसने बोला था परमुटेशन जनरेट करने का बेटे, हाँ यश यश गुड बेटे। देखते हैं आउटपुट क्या आती है, उसके बाद विल मेक आवर माइंड्स व्हाट एग्जैक्टली दिस एल्गोरिथम इज डूइंग। तब तक बेटे सभी लोग एल्गोरिथम को कॉपी में लिखो और उसको ट्रेस करना शुरू करो। अब मुझे आपसे फाइनल ट्रेस चाहिए, जो जो ट्रेस दे पाएगा उससे मैं पूछूंगा कि आपने क्या, आपका व्यू है अबाउट द प्रॉब्लम स्टेट। करो बेटे इसको ऑफ कर दूं मैं, अभी शेयरिंग सबने लिख लिया है, यस नो, एल्गोरिथम और इनिशियल कॉल सबने लिख लिए ना। चलो अब करो बेटे, कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, कीप योर कैमरास ऑन ऑलवेज। करो बेटे ट्रेस करो सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बेटे। एंड वन थिंग मोर आई विश टू शेयर इज दैट दिस सब्जेक्ट रियली इज द ग्रेट वन, तो प्लीज इसको अटर मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर आप इसको पढ़ो बेटे। डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम टू दिस सब्जेक्ट, इट रियली विल बी पेइंग यू। और बिल्कुल एंडलेस है, ऐसा नहीं है कि आप रिकर्जन में, यदि हमने चार पांच एल्गोरिथम कर लिए, इट मींस वी आर मास्टर। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। करो कोशिश, कोई बेटे अपना कैमरा नहीं ऑफ करेगा।
योगिता एंड महेश आपका कैमरा ऑफ क्यों है बेटे? ऑन करो। वैभव आनंद आप भी बेटे कैमरा क्यों ऑफ कर देते हो? ऑन रखो कैमरा अपना सभी लोग। हाँ बच्चों थोड़ा जल्दी करो सभी लोग। यश बेटे कितना हो गए?
अरे बच्चों जल्दी करो, बहुत टाइम लगाते हो बेटे आप लोग। 3 बच्चों ने किया अभी तक, किस किस ने किया? यश हो गया, यश ने कर लिया, जी सर। और बेटे तो आप ना रोल नंबर नाम नहीं लिखते हो। हाँ तुषार अरोड़ा ने भेज दिया मुझे, तो मैंने वो चेक नहीं किया था इसका। चलो गुड बेटे, ड्रॉ तो किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल बेटे क्या कर रहा है ये? ऑल इन ऑल कर क्या रहा है एग्जैक्टली एल्गोरिथम? इट इज प्रिंटिंग ऑल द परम्यूटेशंस, है ना? जो भी उस एरे के, जो भी एन लेंथ के एरे के परम्यूटेशंस हैं वो सभी को प्रिंट कर रहा है। और उसका मेथड क्या है प्रिंट करने का? मेथड मैंने कल भी शेयर किया था आप लोगों से कि मेथड एग्जैक्टली है क्या, कर क्या रहा है। थोड़ा सा बेटे इसको मैप कर लेना आप, कि मेथड में कहता क्या है कि सपोज मेरे पास ए बी सी डी के मेरे को परमुटेशन निकालने थे, तो ये क्या कहता है? ए फॉलोड बाय परमुटेशन ऑफ बी सी एंड डी, ऐसे ही बी फॉलोड बाय परमुटेशन ऑफ ए सी एंड डी, ऐसे ही सी फॉलोड बाय परमुटेशन ऑफ ए बी एंड डी, ऐसे ही डी फॉलोड बाय परमुटेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो पहले वाले लेवल पर तो ये होगा। अब कहता है ये वाली जो तीन तीन आर्गुमेंट्स वाली फाइल होगी, ये फिर आगे क्या करेगी? फिर आगे सेम एल्गोरिथम से फिर से दोबारा कॉल करेगी, बी परमुटेशन ऑफ दीज, सी परमुटेशन ऑफ दीज, डी परमुटेशन ऑफ दीज। उसके बाद क्या होगी? वो टू से फिर वो वन में आएगी। जब वन में आएगी तो आपने शुरू में डिक्लेयर किया हुआ है के इज इक्वल टू एन, कि जब वहां पहुंचे तो वो उसको रिटर्न कर रही। समझे बेटे? तो ये इसका ओवरऑल में लॉजिक है, रिकर्सिव लॉजिक है, रिकर्सिवली वी नीड टू थिंक, ठीक है? और हालांकि मैं 3 4 बार आपको पहले भी बोल चुका हूँ बेटे, रिकर्सिव सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब राइटिंग उसका पार्ट आता है तो रिकर्सिव एल्गोरिथम से इजी और कोई एल्गोरिथम नहीं होता। एक बार आपने रिकर्सिव फॉर्म में सोच लिया तो आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी बहुत इजी दिखाई देती है। आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा ट्री की ट्रेवर्सल्स, आपने की होंगी, ट्री से सर्च किया होगा, एवीएल ट्रीज आपने किए होंगे लास्ट वाले सेमेस्टर में, तो वो सभी के सभी रिकर्सन से कर पा रहे थे आप। यदि आप उनको सोचोगे कि मैं उनको आइटरेटिवली ट्री के ऑपरेशन लिख पाऊं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है बेटे, नियर टू इम्पॉसिबल है आइटरेटिवली डूइंग ऑपरेशन अपॉन अ ट्री। इवन आपको इंसर्शन या डिलीशन ले लो, वो भी आप करोगे तो भी नियर टू इम्पॉसिबल है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज है, बहुत ज्यादा आपकी मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा। तो रिकर्सन हमें एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू राइट द डिफिकल्ट। अब कहता है जो नेक्स्ट पार्ट है बेटे इसका, जितने भी एल्गोरिथम्स हमने आज थ्योरी में किए हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, यू नीड टू राइट प्रोग्राम्स फॉर दैट। इज दैट फाइन? सभी के लिए बेटे प्रोग्राम्स लिखने हैं। अब देखो आपने मुझे एल्गोरिथम लिख के भेजा, मैंने बोला ठीक है, लेकिन आप मेरे ठीक कहने पे बिलीव मत करो। इस पे बिलीव करोगे आप उस एल्गोरिथम से जो आपका प्रोग्राम निकल के आएगा उस पर बिलीव करो। तो सभी को बेटे प्रोग्राम्स बनाने हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स अपनी मेंटेन करनी है। प्रैक्टिकल फाइल में 3 चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है? थिंग नंबर 1 इज योर एल्गोरिथम, नंबर 2 इज योर कोड, एंड नंबर 3 इज योर केस, या फिर जो आउटपुट वैल्यूज हैं केस पर, ओके? यूज केसेस उसके। तो ये 3 चीजें हर एक एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बेटे होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी ही बनानी है, साथ के साथ बना के चलो। डन बेटे? तो ये सभी के सभी आप प्रोग्राम्स बना लो, नेक्स्ट वाले टर्न में मैं आपके चेक करूंगा, ओके? तो टाइम आपके पास बहुत सारा है, अगले हफ्ते तक है। लैंग्वेज कोई बार नहीं है, किसी को सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, पाइथन आती है, व्हाट एवर लैंग्वेज यू नो, गो फॉर दैट, नथिंग टू वरी, ओके बेटे? So that's all from my side. If you have something to share, something to suggest me, then you are most welcome. Good. आपको if you are not feeling good with something that is being disseminated through myself, तो आप उसपे directly मेरे को suggest कर सकते हो अभी।
सर फाइल हैंड रिटन बनानी है या टाइप नहीं नहीं बनानी है? हैंड रिटन नहीं है, सॉफ्ट कॉपी बनाओ बेटे बस, डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी बनानी है, हार्ड कॉपी का कोई यूज नहीं, कोई पेज काले नहीं करना मेरे, ठीक है? क्योंकि मैंने टर्निटिन खरीदा हुआ है यहाँ पर, जब बाद में होगी भी डुप्लीकेट सी, प्लीज ईमानदार रहो बेटे सब, बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है? कोई और बेटे कोई सजेशन हो, समथिंग यू आर नॉट फीलिंग गुड विथ, प्लीज शेयर, क्या हम ठीक स्पीड से जा रहे हैं, वे हमारा क्या ठीक है, आप बेटे कमेंट, यू कैन मेक कमेंट, आई एम रेडी टू लिसन अबाउट, किसी का है कोई? नहीं, फाइन, चलो बेटे यू मे ऑल लिंक, थैंक यू वेरी मच, यही वाला लिंक रहेगा बेटे थ्रू आउट द सेमेस्टर, आपके ग्रुप का लैब का यही लिंक रहेगा, थ्योरी का लिंक भी फिक्स है, लैब का लिंक भी फिक्स है, ओके यू मे ऑल लिंक।